हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो पहले की तरह ही एक बार मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि ईवीएस का है। मेनली तो ये बायोलॉजी में यानी हमारे जंतु विज्ञान में आता है इकोसिस्टम के नाम से। उसमें एक चेन पाई जाती है जिसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं यानी फूड चेन। तो उसमें सबको बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर होता है यानी उत्पादक होता है वो क्या होता है। तो उसके बारे में मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जो हमारा प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है, तो हमारी पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, श्वापोषी, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ें मत सोचिएगा कि किचन में मम्मा भी या दीदी या जो भी हैं वो भी अपना भोजन स्वयं से बनाती है। नहीं, पेड़ पौधे जो हैं वो सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और हम लोग उसी का यूज करते हैं। तो और कंज्यूमर में, और दूसरी प्रॉब्लम सबसे जो दूसरा टॉप रहता है कि कंज्यूमर यानी जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा शाकाहारी ही होता है, यानी वो प्लांट को ही खाता है। तो वो सबसे पहला जो है वो शाकाहारी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि जो और जगह है, कहने का मतलब और भी बहुत सारे ग्रह हैं, वहाँ पर जो हमारा जीव मंडल है, जहाँ पर जो भी हमारा मंडल है, उसमें जीव जो है वो उत्पत्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी गैसें वहाँ पर भी हैं लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे गैसें भी नहीं हैं। जिस तरह से हमारे वायुमंडल में गैसों का संतुलीकरण है, नाइट्रोजन को आपको बताया 78% है, ऑक्सीजन के जितना भी है, जो भी गैसें हैं हम उसका वहाँ पे यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन बेसिस है वो फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको समझाना है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी ही होगा, ऑटोट्रॉपिक ही होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो हमारा ऑटोट्रॉपिक ही होगा, और जो हमारा प्राइमरी हमारा जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, ये हमारा हर्बीवोरस यानी शाकाहारी ही होगा। उसके बाद जो आएगा वो हो सकता है मांसाहारी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्रास होपर यानी टिड्डा को जानते होंगे, तो ये जो है पहले घास को खाता है, ठीक है, ये घास को खाता है, इसको अन्य जीव खाएंगे, फिर उसके बाद ये चैन जो है हमारी बढ़ती चली जाएगी। एक तरह से आप गाय को देख लीजिए, जानवरों में गाय क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हरे चारे को ही खाती है, इसके सिवा क्या आपने कभी देखा है? वो अलग अपवाद है कि हाँ कुछ हैं जो इधर उधर की चीज़ें खा लेती हैं, हम यहाँ अपवाद को बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि अगर अपवाद को लेंगे तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा जो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। ये चार्ट है जी, इसमें मैंने दो चीज़ों को डिनोट किया है। ये तो हमारा प्लांट हो गया क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सूर्य की ऊर्जा से ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब इस पर एक टिड्डा बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा, उस टिड्डे को ये मेंढक खा रहा है। तो टिड्डा जो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता हमारा टिड्डा हुआ, क्योंकि इसने ये खाया। जब ये खाएगा तभी तो ये जीवित रहेगा, जब ये पेड़ पौधों में से जो घास है या जो भी है ये खाएगा ही नहीं तो ये जीवित कहाँ से रहेगा। और इसी टिड्डे को जब मेंढक ने खाया तो ये सेकेंडरी हो गया, और इसी मेंढक को जब सांप ने खा लिया तो ये हमारा टर्शरी हो गया यानी थर्ड हो गया, और इसी सांप को जब चील या किसी बड़े जंतु ने खा लिया फोर्थ हो गया। ये हमारा एक क्रम, आप सीक्वेंस देख सकते हैं, फूड श्रृंखला का है। तो प्रोड्यूसर हमारा हमेशा प्लांट होगा, फिर वो एल्गी हो, फंजाई हो, वो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कवक और उसकी बात हम बता दे रहे हैं, होता है वैसे वो भी नहीं है, या होता है क्योंकि कवक भी होता है और शैवाल भी होते हैं, तो यहाँ पे वो भी आप मान सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये समझ लिया आपने, और दूसरा यहाँ पे आप फिर से वही देख सकते हैं, छोटा सा जानवर है, इसको इसने खाया यानी फॉक्स होगी हमारी, ठीक है, फिर उसको इसने खाया। तो ये हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये है चूहा, ये चूहा है, चूहे को खाया इसने, सीआर इसको बोल सकते हैं, हिंदी में शीआर बोलते हैं, जैकाल बोल सकते हैं,
या फॉक्स भी बोल सकते हैं, तो चूहे को जब इसने खाया तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर तो ये हुआ, प्रोड्यूसर यही है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको जब हमारे वोल्फ ने खाया ये टर्शरी हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और जब इसी वोल्फ को टाइगर यानी लॉयन ने खा लिया, या टाइगर है शेर या चीते ने खा लिया, तो ये हमारा फोर्थ यानी सबसे हाईएस्ट जो है वो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसी के आधार पे मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एनर्जी के बारे में और पिरामिड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन उसमें होती है कि जो हमारा ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमारा उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। उसकी मैं छोटी सी आपको झलक देना चाहूँगा कि पिरामिड का शेप इसलिए उल्टा बनता है क्योंकि जो एनर्जी ऊर्जा का जो कहने का मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। कहने का मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसमें उस प्रोड्यूसर को खाया है तो ज़्यादा ऊर्जा होगी, फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा जब दूसरे कंज्यूमर के द्वारा उसको खाया जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा चूहा था, इसने प्लांट को खाया, तो इसमें जो ऊर्जा आएगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसी चूहे को ये खाएगा तो कुछ खाने में कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस हुई, और उसके बाद जब वो इसको खाएगा तो और एनर्जी लॉस हुई, और जब ये इसको फिर ये चौथा खाएगा तो एनर्जी का लेवल जो और लॉस होता जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एनर्जी का जो शेप होता है वो हमेशा इसलिए इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखता है, जो त्रिभुज हमारा बनता है एनर्जी का वो उल्टा होता है, और बाकी बायोमास का आपने देखा होगा या बायो नंबर का देखा होगा तो वो हमेशा सीधा रहता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू सो मच।